दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज प्यारा सा गुलाब फूल खिला हुआ था तो मैंने इसको तोड़ के और चढ़ा दिया भगवान जी में। और उसके बाद बनाई थी गाजर की खीर, जो कि लड्डू गोपाल को प्रसाद लगाने जा रही हूँ। बीटरूट यानी कि चुकंदर, और इसका टेस्ट ना काफ़ी हद तक लोगों को पसंद नहीं आता है, और उसी हद तक के लोगों में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी चुकंदर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका टेस्ट ही पसंद नहीं है। लेकिन क्या है कि नाना जी बोलते हैं कि खाया करो, तुम्हें माइग्रेन में फ़ायदा करेगा चुकंदर। एक दिन मैंने लिए, बड़े शौक से लिए तो लिए, अब वो रखे हैं, तीन के तीन चुकंदर रखे हैं। एक तो बेचारा सूख गया, तो मैंने उसको फेंक दिया। सलाद में काट के खाने की हिम्मत नहीं होती, इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने एक दिन जूस बनाया, जूस बना के पिया तो जूस और भी गंदा लग रहा था, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। फिर मैंने आज इसका जूस ना आंवले के साथ मिक्स करके बनाया, थोड़ा सा नमक डाल के। लेकिन आज का जूस आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतना टेस्टी लगा था, क्योंकि आंवले का खट्टापन आ गया था और नमक भी डाल दिया। आज का जूस मुझे बहुत पसंद आया, आंवला मैंने इसमें ऐड किया। आंवला के तो फ़ायदे आप लोगों को पता ही, हमारे हेयर और स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आज का जूस मुझे पसंद आया, मेरे जो मैंने चुकंदर खरीदे थे वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। अभी मैंने अपने कुछ कपड़े भिगो के रखे हैं, क्योंकि मुझे वो धुलने हैं। गंदे तो नहीं है, लेकिन क्या है कि उतार उतार के यहाँ वहाँ डालते रहते हैं ना, उस वजह से। और वो आंवले जो मैं लेके आई थी उस दिन, आज इनका काटने का नंबर आया है, और मैं इनको काट के धूप में रख देती हूँ ताकि इनका अचार रख जाए शाम तक, नहीं तो फिर रखे रखे ही ख़राब हो जाएंगे। और अभी मैंने सारे कपड़े धुले हैं अपने, कुछ तो जो टी शर्ट गर्मियों की हैं तो मैंने जो निकाली हैं अभी, वो भी धुल के डाल दी हैं। और कुछ सर्दियों वाली फुल टी शर्ट थी गर्म, जो अब पहनी नहीं जानी है, उनको भी मैंने धुल दिया है। स्वेटर वगैरह तो बाद में धुलेंगे, एक आध धुल दिए कि हटाओ, क्योंकि यहाँ वहाँ डले रहते हैं, तो उस वजह से सुबह सुबह से कपड़े धुल गए। और धूप इतनी तेज़ होने लगी है, ये 9 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप तो देखो है। पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि आज ना कढ़ी खाने का मन हो रहा था, कढ़ी चावल खाने का, तो बस मैं ना मठा के पैकेट लेके आई हूँ। अब जा रही हूँ कढ़ी बनाने, कढ़ी चावल खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। नानी ने से पूछा, नानी बोली हाँ हम भी कहने ही वाले थे कि कढ़ी बनाओ एक दिन, रोज़ सब्जी खा खा के परेशान हो गए, तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने। पर मैंने कढ़ी पकने के लिए रख दी है, क्योंकि आलू वाली कढ़ी बना रही हूँ, पकौड़ी नहीं बनाई है। वैसे मुझे पकौड़ी बनती आती तो फिर ज़्यादा टाइम लगता, पहले पकौड़ी बनाओ फिर कढ़ी बनाओ, तो इसलिए मैंने पकौड़ी नहीं बनाई है, आलू डाल के बना रही हूँ कढ़ी, और चावल भी रख दिए साथ। और नीचे गैस रखी है तो कैसा लुक आता है देखने में, अलग सा लगता है। ये रेस्टोरेंट के ऐड करने वाले लोग ना डेली पर्चा डाल जाते हैं गेट के पास, और ये नहीं कि एक आध पिज्जा का बॉक्स डाल जाया करें, क्योंकि इंसान पहले टेस्ट करेगा तभी तो वहाँ पर जाएगा। और रोज़ पर्चा मिलता है डला हुआ, पढ़ो और फिर मन कर जाए तो जाके अपने पैसों में आग लगाओ जाके। इसमें जितनी भी डिश दी हुई है वो मैंने सारी पढ़ ली, आप जब इतना सारा पढ़ा है तो मन तो करेगा ही ना खाने का। ऑनियन पिज्जा कैसा लगता होगा चीज? आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने, और कढ़ी देखने में कितनी परफेक्ट लग रही है, लेकिन
देखने में, मैं जो कढ़ी बनाती हूँ वो देखने में हमेशा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन खाने में थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ ना कुछ टेस्ट इसमें मिस रह जाता है। कभी नमक ज़्यादा होता है तो कभी कम हो जाता है, तो कभी खट्टी बहुत हो जाती है तो कभी कम खट्टी होती है। रमा मासी भी यही बोलती है कि जब भी तुम कढ़ी बनाती हो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तभी तुम जा रहे हैं कढ़ी चावल खाने, गर्मा गर्म मज़ा रहे। नानी खाए नहीं अभी? खाओ नानी, का भी मन था ना कढ़ी चावल के लिए। हाँ, काफ़ी टाइम बाद बनाई है कढ़ी। आलू वाली कढ़ी बनाई, पकौड़ी वाली नहीं बनाई। खाना होने के बाद थोड़ा देर टीवी भी देखी। टीवी देखने के बाद नानी भी थोड़ा देर सो गई और मैं भी घंटे भर के लिए सो गई। दोपहर में तो मैं लेटने जाती हूँ कि खाना खा के थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन सो जाती हूँ, एक दो घंटे की नींद हो जाती है मेरी। और अभी शाम को नानी छत में आई थी तो पेड़ों की कटिंग कर रही थी, कह रही थी पत्ती अत्ती ऐसी है, मन नहीं मानता है, चलने में दिक्कत होती है और झुक तो बिल्कुल नहीं पाती है पैरों की वजह से, लेकिन कुर्सी रख के ही करना है काम उन्हें, हाथ से जो कर सकते हैं ना वो काम तो उन्हें करना ही करना है। लेकिन वो फिर मैंने उनको देखा कि क्या कर रही हो, तो बोली ये गमले की पत्ती सूख सूख गई थी, हटा रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो गमले हमारे पास इतने सारे रखे हैं, कम से कम 18 से 19 गमले हैं और इस समय पर खाली हो गए हैं, कुछ खाली हैं 7-8। तो जो ये मटके, जैसे जब पेड़ ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा पेड़ होते हैं तो कुछ मटकों में लगा देते हैं, तो मैंने कि ये गमले जो खाली है ना तो मटके वाले पेड़ गमले में कर देते हैं और ये मटके हटा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। तो वो जो टूटे टूटे से थे उनको मैंने सबको निकाल के फेंक दिया। जो मटके टूटे टूटे थे वो तो मैंने हटा दिए, बस 2 मटके रखे हैं क्योंकि उनमें गुलाब का पेड़ लगा हुआ है और वो काफ़ी बड़े हैं, तो इतनी जल्दी हो सकता है अगर हमने तोड़ा उड़ा तो वो पेड़ भी सूख जाए, इसलिए मैंने उनको नहीं हटाया। बाकी तो मैंने सब फेंक दिए हैं, जब पेड़ हो गए तब देख लिया जाएगा। गर्मियों में तो वैसे भी अभी ज़्यादा पेड़ नहीं लग पाएंगे, जब बरसात का सीज़न आएगा तभी लगेंगे। और उसके बाद शाम को चाय आई हुई, शाम को चाय आई बनाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करने, और ट्राईपॉड लगा के वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है मेरा आधा सर ही कट गया है, बाद में देखती हूँ तब पता चलता है। और वैसे तो नानी के हाथों से करवाती, लेकिन अब नानी की नानी को रहने दो, अपने हाथ से कर रही हूँ। टाइटल पढ़ के सबको यही लगा ना कि मैं जा रही हूँ अपने घर मम्मी के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ना ऐसा सोचा था कि शिवानी मौसी अगर होली में यहाँ आ रही हैं तो फिर हो सकता है कि मैं वहाँ चली जाऊँ मम्मी के पास, लेकिन वो कंफर्म हो नहीं पाएगा क्योंकि होली तक तो मम्मी को वैसे भी मामी के पास आना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर भी अपना दिमाग लगाया था कि वहाँ अगर मौसी यहाँ आ रही हैं, क्योंकि वो जब गई थी ना तो बोल रही थी कि होली तक हो सकता है कि आ जाएँ हम वापस, तो फिर मैंने सोचा अगर मौसी होली में आ रही हैं तो मैं चली जाऊंगी, ना होगा तो मुरैना तक ही चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा था ना मैं जैसा सोचती हूँ वैसा कभी नहीं होता है। तो मौसी को आने से पहले यहाँ ना उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, डुगू की तबीयत ख़राब है, तो मौसी का अब कैंसिल है ना, क्योंकि अभी 1 हफ्ते तक उसको दवा ववा देनी होगी, देखना होगा, कन्फर्म नहीं है ना। आज से 4-5 दिन होली के बचे हैं, 4-5 दिन नहीं, 1 हफ्ता ही बस समझ लो, 6 दिन है ना, छठ में 7वें दिन तो होली जलनी है, तो मुश्किल आ पाएंगी मौसी। अगर डुगू की तबीयत ख़राब नहीं होती तो सोचा भी जाता कि हाँ आ जाती, क्योंकि डुगू की तबीयत नहीं ख़राब होती तब तो मौसी कंफर्म आ जाती। मम्मी के घर ना कहीं यहीं मनाऊंगी होली, यहीं पर। इस बार ना ऐसा मौका पड़ेगा होली के टाइम, क्योंकि घर में कोई नहीं रहेगा, 2 लोग रहेंगे सब, 2 से 3 लोग रहेंगे बस। कभी कभी टाइम है, कभी कभी जब पहले स्टार्टिंग में होली होती थी तो पूरा घर भर जाता था, सब लोग आ जाते थे इकट्ठे, अब इतने दूर दूर हैं और फिर ऐसी बीच में बाधाएं आ जाती हैं। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइट नहीं आ रही।